हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी हेयर केयर के बारे में। हेयर केयर रूटीन जो होती है उसमें फोर मेन स्टेप्स होते हैं, ऑयलिंग, शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम। सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है ऑयलिंग। कुछ लोग तो ऑयल लगाते ही नहीं अपने बालों में, मुझे नहीं पता वो कैसे बिना ऑयल लगाए हुए अपने बालों में शैम्पू कर लेते हैं। अगर आप सोचो आपके बाल राइट नाउ, देख लो मेरे बाल ऐसे हैं, ड्राई हैं, 2 दिन बाद गंदे हो जाएंगे। अगर मैं इसको वॉश करूंगी तो ये तो ड्राई है, और उसको मैं रगड़ रगड़ के धोऊंगी शैम्पू के साथ तो वो और ड्राई हो जाएंगे। इसलिए डियर, ऑयलिंग करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मैं ओवरनाइट ऑयलिंग करती हूँ बचपन से, लाइक राइट नाउ आई एम 31+ मैं हो चुकी हूँ। बचपन से डियर मैंने ऑयलिंग करने के बाद ही शैम्पू किया है। मेरा बेटा है आरव, 5 साल का, 5.5 साल का हो चुका है, बिना उसको मैंने तेल लगाया हुआ है कभी भी शैम्पू नहीं किया, आज तक का रिकॉर्ड है। मतलब जब तक उसको मैंने ऑयलिंग नहीं करनी सारी रात, उसको मैं अगले दिन शैम्पू नहीं करती, ठीक है ना। चाहे मैं उसको एक दिन स्किप कर दूं अगर मैंने ऑयल ना लगाया हुआ। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा प्रोडक्ट शेयर करूंगी, ऑयल है ये, डेफिनेटली ऑयल के बारे में इतना मैं बोल रही हूं। तो ये है ओरिएंटल बोटैनिक्स का रेड अनियन हेयर ग्रोथ ऑयल है ये, देख सकते हो। अगर आप लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हो ना, मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हो, तो आपको पता होगा आजकल मैं ये वाला ऑयल यूज कर रही हूँ। मैंने इसके बारे में, और इसको इनफैक्ट मैंने यूज भी किया है, आपको वीडियो में शेयर किया था, हेयर केयर वाली कोई वीडियो थी, हेयर मास्क था DIY, उसमें मैंने अपना मास्क अप्लाई करने के बाद ये वाला ऑयल अप्लाई किया था। सच अ गुड ऑयल, मुझे बहुत पसंद आया। और इसके अंदर आपको 30 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प करेगा, रिपेयर करेगा डैमेज्ड हेयर को और हेयर फॉल को कंट्रोल करेगा। एंड अगर आप लोग मुझे रेगुलर देखते हो तो आपने देखा होगा, मैं जैसे ही अपने मैंने एक वीडियो में दिखाया था, मैं अपने जैसे शैम्पू करके आई थी ये वाला ऑयल यूज किया था, शैम्पू कंडीशनर मैंने किया, साथ ही मैंने डियर अपने कॉम को यूज किया था लाइक ऐसे करके, एंड आपने देखा था मेरे एक भी बाल नहीं टूटे थे, राइट एक भी बाल नहीं टूटे थे। रीजन क्या होता है, आप बोलोगे शैम्पू कंडीशनर अच्छा यूज किया था, सीरम अच्छा यूज किया था, बट डियर सबसे जो मेन स्टेप था वो था ऑयलिंग। जब तक आपका ऑयल ढंग का नहीं होगा, बाकी सारी स्टेप्स तो बाद में आते हैं ना, तो अ गुड ऑयल होना, आप लोगों के पास अच्छा ऑयल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको मैं कॉन्टिन्यूसली यूज कर रही हूँ, हो चुका है मुझे 15-20 दिन तो हो ही चुके हैं, मुझे काफी पसंद आ रहा है ये वाला ऑयल। और बेस्ट पार्ट इस ऑयल का पता क्या है, रेड अनियन। अनियन हमारे हेयर की ग्रोथ में हेल्प करता है और इसमें बदबू नहीं आती, इसमें बिल्कुल भी अनियन की स्मेल नहीं आती। कुछ मैंने अनियन ऑयल्स यूज किए हैं, माय गॉड वो तो हिट करने लग जाते हैं। चलो मैं फिर भी लगा लूंगी अपने बालों की, उसके लिए जो आसपास लाइक मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा होता ना, वो बार बार बोलते हैं कौन सा तेल लगाया, इतनी स्मेल आ रही है, इतनी स्मेल आ रही है। इस ऑयल में आपको अनियन की स्मेल नहीं आएगी और ये एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है, ये नहीं आता कि आपको यू नो खुद ही हेडेक होने लग जाए। कई बार तो इतनी स्ट्रांग फ्रेग्रेंस होती है खुद ही हेडेक होने लग जाती है। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, मुझे काफी पसंद आ रहा है। ओके, हेयर ग्रोथ की बात कर लूँ तो अभी तो यार मैं हेयर कट करवा के आई थी लाइक रिसेंटली, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसे फील हो रहा है जैसे मेरे बाल बढ़ चुके हैं। आप लोग कमेंट करो प्लीज, मुझे कमेंट करके बताओ, मुझे फिर से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बालों की ग्रोथ हो चुकी है। आप देखो मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने अभी अभी कटिंग कराई थी लेकिन फिर से मुझे लग रहा है बालों की ग्रोथ होगी। आज मैंने बाल में कोई प्रेसिंग नहीं की, कुछ नहीं किए, और मेरे बाल मुझे काफी ज्यादा ना वॉल्यूमिनस लग रहे हैं, हैवी लग रहे हैं, खुद ही देख सकते हो यार, मतलब अच्छे लग रहे हैं बाल में। हाथ देखो कितने मदद से जा रहा है। या बहुत हो गया इंट्रो, फटाफट इस प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं, छोटा सा डेमो का मैं आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। परचेज लिंक्स आपको इस प्रोडक्ट के मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर कोई कूपन कोड होगा तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। लेट्स बिगिन। ये है ओरिएंटल बोटैनिक्स का रेड अनियन हेयर ग्रोथ ऑयल। पैकेजिंग आप इनकी देख सकते हो, कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आपको ये वाला ऑयल रिसीव होगा। 30 पावरफुल इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले हुए हैं जो आपके बालों की हेयर ग्रोथ होने में प्रमोट करेगा। आपके डैमेज्ड बाल होंगे, रफ होंगे, डल, ड्राई, फ्रीजी होंगे, उसको रिपेयर करेगा और आपके हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। 200 ml की ये क्वांटिटी दी हुई है। इस ऑयल का जो मेन इंग्रेडिएंट वो है रेड अनियन ऑयल, और आप देख सकते हो रेड अनियन ऑयल जो होता है आपके बालों को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बालों के हेयर फॉलिसल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके बालों में वॉल्यूम आता है, शाइन आता है, हेयर ग्रोथ होती है, और फिर आपके जो बाल होते हैं ना स्ट्रांग भी हो जाते हैं, जिससे हेयर फॉल कम होता है। एक्सक्लूसिवली जो और भी इन्होंने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं उसका जो भी ब्लेंड है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वाइटमिन्स, फुल ऑफ वाइटमिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो आपके बालों की ग्रोथ में हेल्प करता है और उससे ब्रेकेज भी कम होती है। थोड़े से मैं आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट दिखा दूं। माय गॉड कितने सही वाले इन्होंने इंग्रेडिएंट्स डाले हुए, फटाफट से मैं इनको रीड कर दूं। सेस्मे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल, कैस्टर कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, स्वीट एलमंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जोजोबा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव
कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, रेड अनियन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ऑर्गेनिक मोरक्कन आर्गन कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, मैकेडेमिया कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, इन्होंने ना सारे कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ किए हैं जो और ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अवोकाडो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, ओट्स कर्नल ऑयल, विटामिन ई भृंगराज ऑयल, गोटू कोला एक्सट्रैक्ट, करी लीफ एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा लीफ एक्सट्रैक्ट, रतन ज्योत एक्सट्रैक्ट, ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट, बोरेज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, फेनल ऑयल, फेनल हम बोलते हैं सौंफ को, जिंजर ऑयल, ग्रेप सीड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, लेमन पील ऑयल, मंजिष्ठा ऑयल, मस्टर्ड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, रोज हिप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, वीट जर्म कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, हिबिस्कस रोजा एक्सट्रैक्ट, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। माई गुडनेस, इतना कुछ डाला है, बहुत सही वाला ऑयल है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो, आपको डेफिनेटली एक बार तो ट्राई करना चाहिए ना। अपने बालों को ऑयलिंग कैसे करनी है वो तो चलो मैं आपको अभी करके दिखा दूंगी। प्राइस इसका 1199 रुपीज़, यार आपको डिस्काउंट पे मिल जाएगा, आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। एंड आपको पता है ओरिएंटल बोटैनिक्स एक ऐसा ब्रांड है जो जिसमें पैराबिन नहीं होता, सल्फेट नहीं होता, सिलिकॉन नहीं होता, कोई एडेड कलर्स नहीं होते, एनुअल टेस्टिंग नहीं होती है, मिनरल ऑयल नहीं डाला होता, तो मतलब सारे गुड थिंग्स इस ऑयल के अंदर डाले हुए, तो आप एक बार आप इसको ज़रूर चेकआउट करना। 2 ईयर्स आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी। एंड थोड़ा सा मैं आपको ना अंदर से ओपन कर दूँ। बाय द वे ओरिएंटल बोटैनिक से कैसा ब्रांड है जिसको मैं फर्स्ट टाइम नहीं यूज़ कर रही, इनका मैंने पहले भी फेस वॉश यूज़ किया हुआ है, देख सकते हो। एंड फ्रेगनेंस, यार फ्रेगनेंस में तो मैं इसको फुल मार्क्स दूंगी, बिल्कुल भी अनियन की तेल की तरह वियर्ड स्मेल नहीं करता कि मतलब चक्कर ही आ जाए जिसको स्मेल करके, देख सकते हो। कोई एक्स्ट्रा इन्होंने कलर नहीं ऐड किया, कुछ नहीं ऐड किया, बिल्कुल क्लियर ऑयल है। इन्होंने लिखा ना नो एडेड कलर्स, तो कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा कलर ऐड किया हुआ, तो ये मुझे काफ़ी अच्छी वाली चीज़ लग रही है। फ्रेगनेंस भी इसकी बहुत अच्छी आती है, हिट नहीं करती यार दिमाग को, मतलब आराम से आप लगा सकते हो इसको। इस ऑयल को मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ, आपने मेरी एक दो वीडियोज़ में देखा भी होगा यूज़ करते हुए। तो सबसे पहले आपने अपने बालों को कॉम कर लिया करो, जब भी आप ऑयलिंग वगैरह करते हो उससे क्या होगा, टैंगल्स नहीं रहेंगे आपके बालों में, और फिर आपका जो ऑयल होगा अच्छी तरह से आपके बालों में लग जाएगा। थोड़ा थोड़ा पार्टीशन कर रही हूँ मैं, और फिर अपने स्कैल्प के ऊपर अच्छी तरह से मसाज करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लेके साथ साथ में मसाज करते रहा करो, ताकि आपका ऑयल जो है आपके स्कैल्प के अंदर ना पेनिट्रेट कर सके, जैसा कि आप देख सकते हो मैं कर रही हूँ। एंड ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये वाला ऑयल, क्योंकि इसकी ना स्ट्रांग फ्रेगनेंस नहीं थी, और अगर मैं इसकी रेगुलर यूज़ अगर आप इसको करोगे तो डेफिनेटली आपके बालों की ग्रोथ भी होगी, क्योंकि मैं इसको लगातार अप्लाई कर रही हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैंने अभी अभी कटिंग कराई थी और मेरे बाल लंबे लंबे भी होने शुरू हो गए हैं। तो लेंथ पे भी ज़रूर लगाया करो यार, कुछ लोग तो बालों की लेंथ पे ऑयल ही नहीं लगाते, पता नहीं क्यों नहीं लगाते, आपको स्प्लिटर्स की तभी प्रॉब्लम होती है। ऑयलिंग और ओवरनाइट किया करो, 1 घंटे 2 घंटे में ऑयलिंग करने का कोई फायदा नहीं है, पूरी रात आप ऑयल लगाया करो अच्छी तरह से। जब भी मैं तो हफ्ते में 2 बार ऑयलिंग करती हूँ, 2 बार शैम्पू कंडीशनर यूज करती हूँ। ऑयलिंग करने के बाद अच्छी तरह से अपने बालों को मसाज करो, 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है ना, आप उसके अकॉर्डिंग उसको मसाज करो, फिर आप देखना आपका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, और उससे क्या होगा आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। एंड उसके बाद फिर मैं अपने बालों को कॉम करूंगी अच्छी तरह से, जितने भी टैंगल्स है सबको हटा के एंड रबर बैंड से ट्राई कर लूंगी, सारी रात इसको मैं रखूंगी। 1 घंटे के लिए मैं कभी भी नहीं ऑयलिंग करती, ओवरनाइट रखूंगी, उसके बाद अगले दिन मैं अपना शैम्पू एंड कंडीशनर यूज करूंगी। मेरी तरफ से आप इस ऑयल को जरूर एक बार ट्राई करो, आपको बहुत ज्यादा पसंद है। तो यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आई। मेरी तरफ से आप इस ऑयल को जरूर एक बार ट्राई करो। अगर आपको हेयर ग्रोथ में अगर आपको लग रहा है कि आपकी हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, या फिर अगर आपके बहुत ज्यादा बाल अगर झड़ते हैं, हेयर फॉल होता है, या फिर अगर आपको लगता है कि आपके बाल बहुत ज्यादा ना उलझे रहते हैं, डैमेज रहते हैं, तो आप इस ऑयल को जरूर ट्राई कर सकते हो। और रेड अनियन है, आपको पता है यार हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, लेकिन स्मेल नहीं आती बिल्कुल भी, अनियन जैसे इसकी स्मेल नहीं आती है, जो सबसे इसका प्लस पॉइंट है। एंड आपने अभी तक देख ही लिया कि इसमें पैराबेंस नहीं है, सल्फेट नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है, एनिमल टेस्टिंग नहीं किया हुआ, कलर्स नहीं है फालतू के, एंड नो मिनरल ऑयल। तो इतने बेनिफिट्स हैं, तो आपको एक बार तो ट्राई करना बनता है ना। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। परचेज लिंक्स मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए, कूपन कोड मैंने डाल दिया, अगर कोई होगा तो मैं जरूर प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छी लगी वीडियो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियोस को लाइक कर देना और सबके साथ शेयर भी कर देना, ताकि आप बेनिफिट ले रहे हो तो बाकी सबको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। बाय।